बरेली की बर्फी की डायरेक्टर अश्विनी अय्यर तिवारी ने भले ही बरेली की बर्फी नाम की फिल्म बना ली हो, लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि इस पूरी फिल्म के दौरान उन्होंने कभी भी मिठाई खाई ही नहीं है, बर्फी का भी स्वाद नहीं चखा है। जी हाँ, खुद अश्विनी ने स्वीकारा है कि जब भी वे कोई फिल्म की शुरुआत करती हैं तो वे एक चीज का त्याग कर देती हैं। वो त्याग उनकी एक फेवरेट वस्तु का ही होता है। यह पूछने पर कि क्या यह उनकी कोई मान्यता है, अश्विनी कहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस जो दिल में आता है कर लेती हूँ। अश्विनी बताती हैं कि जब उन्होंने अपनी फिल्म नील बटे सन्नाटा की शुरुआत की थी तो उस दौरान उन्होंने पूरी तरह से एक मीठी चीज खानी छोड़ दी थी और वह थी आइसक्रीम। कुछ ऐसा ही उन्होंने इस बार भी किया। उन्होंने इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान बर्फी खाना छोड़ दिया था। अब जब रिलीज हो जाएगी तभी खाएंगी। अश्विनी ने अपनी फिल्म के बारे में कहा कि उन्हें इस तरह की स्मॉल टाउन स्टोरीज हमेशा आकर्षित करती हैं, क्योंकि ऐसी कहानियों में बात होती है, ये कहानी जिंदगी से जुड़ी होती हैं, इनमें रियलिटी नजर आती है, ये किरदार आपके आसपास की दुनिया में भी नजर आ जाते हैं तो कुछ भी अटपटा सा नहीं लगता। छोटे शहरों के लोग कैसे होते हैं और क्या कहानी कह जाते हैं, आपको उन कहानियों को लेकर कुछ चौंकाने वाली बात नहीं लगेगी, सब वास्तविक ही नजर आएगा। उन्होंने बताया कि वो लखनऊ में वक्त बिता चुकी हैं और वहाँ के कल्चर को जानती हैं। शायद इसलिए ऐसी ही कहानी की तरफ उनका रुझान हुआ। अश्विनी की फिल्म बरेली की बर्फी में कृति सनोन, राजकुमार राव और आयुष्मान खुराना मुख्य किरदारों में हैं। ये फिल्म 18 अगस्त को रिलीज हो रही है।